जो राज करता था बाणासुर, एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, बाणासुर ने विचार किया क्यों ना भगवान की तपस्या की जाए। मन में लालसा जगी, भगवान की तपस्या की जाए। महाराज चल देता है जाकर के जंगल में भगवान शंकर की घोर तपस्या की, बहुत तपस्या की। महाराज आज जब घोर तपस्या की है तो भगवान भोले बाबा बड़े भोले वाले बहुत जल्दी प्रसन्न होना और जरा सी बात पे रुष्ट हो जाना। शंकर जी ने आने में जरा भी देर नहीं की और जब शंकर जी आए तो पहले तो वरदान मांगा बाणासुर ने कि अमर कर दो। बाणासुर ने जवाब, शंकर जी ने जवाब दिया देखो अमर तो नहीं कर पाएंगे और कोई वरदान मांगो। तो शंकर जी से वरदान मांगा बाणासुर ने क्या, मेरे मन को अक्षय कर दो। पाए बोला मेरे पास में 1000 भुजाएं हो जाए। आज उसी समय वरदान जब दिया तो महाराज जब ज्यादा कुछ हो जाता है तो अभिमान बढ़ने लगता है। तो उसको अभिमान आ गया, जब वहां से चला तो पर्वतों को चुटकियों से मिसलने लगा, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, जो सामने पड़ जाता है उसको मार देता है। महाराज बड़ा उत्पात करने लगा। उत्पाद करने के पश्चात इतना उत्पाद उसने किया कि चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी, बहुत किया। अब महाराज छोटे छोटे राजा अपनी राजधानी को छोड़ करके चले जाते हैं। आज उसी समय जब ज्यादा उत्पाद करने लगा, अत्याचार करने लगा, तो महाराज जब सारे वृक्षों को पर्वतों को मिसल दिया उसने, तो अब उसके हाथों में खुजली नहीं मिट रही क्योंकि बल ज्यादा है ना, तो परेशान है कि अब क्या करें।
सोचने लगा जिनसे वरदान मांगे उन्हें पास चले। चला जा करके शंकर जी के पास में पहुंचा, जवाब दिया महाराज हमको या तो कोई योद्धा बतलाओ या तो स्वयं नीचे आ जाओ पर्वत से लड़ाई करने के लिए। शंकर जी से बोला बाणासुर, बोला करे हमसे, और अगर नहीं तो तुम स्वयं आ जाओ नीचे। बोला पागल ना बनो, जिसके द्वारा तुमको शक्ति मिली है उसी के ऊपर तुम भारी बन रहे हो। अरे बाणासुर चिंता ना करो, वो भी समय आएगा जिसका तुमको इंतजार है। लो हम तुम्हें एक ध्वजा दे रहे हैं, इस ध्वजा को ले जाओ और ले जा करके इस ध्वजा को अपने सबसे ऊंची छत के ऊपर रख देना, बांध देना और देखे रहना जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उसी दिन तुमसे युद्ध करने वाला आ जाएगा। लेकर के चला, ध्वजा लेकर के चला, महलों के ऊपर बांध ली। रोज देखता है, रोज देखता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर उसके घर में जो एक कन्या थी उषा नाम की, महाराज ओसा जब थोड़ा बड़ी हुई तो वाणासुर ने मन में सोचा क्यों ना ओसा को शंकर जी के पास में संगीत विद्या सिखा दी जाए, क्योंकि संगीत विद्या शंकर जी को पूरी तरीके से आती है, ओसा को सिखा देंगे। महाराज ओसा का हाथ पकड़ा और कैलाश पर्वत की तरफ लेकर के गया। आज उसी समय जब ले करके गया कैलाश पर्वत पे, शंकर जी से जवाब दिया है, महाराज मेरी पुत्री को संगीत विद्या सिखाई जाए। शंकर जी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो कैलाश पर्वत पे, पार्वती के साथ में रहेंगे, सिखा दी जाएगी। महाराज आज उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, वर्षे बीत गई उषा को कैलाश पर्वत पे रहते रहते। महाराज आज वर्षे जब बीत गई उसी समय एक दिन की बात है,
भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के पास में बैठे थे, उषा सो रही थी, एक गुफा में बैठे थे। बाराज रात्रि के समय उषा की आंख खुली तो मैया को ढूंढती हुई पहुंच गई। मैया को शंकर जी के पास में बैठा हुआ देखा तो मन में एक बात आई कि मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने पति के साथ में यूं ही बैठती। शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने जब ये बात समझी तो उसी समय जरूर आएगा। बोले चिंता।